हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं नहा धोके हो गई रेडी और आज है मेरा फिजियो का फोर्थ डे। और आज मायरा हमारे साथ नहीं जा रही है क्योंकि उसको उसकी फ्रेंड के यहाँ छोड़ दिया, वो जाती है बोर। तो अब मैं निकलती हूँ हॉस्पिटल और करवाती हूँ अपना फिजियो और देन आपसे मिलते हैं। तो उस दिन मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया, आधा आधा करके पता नहीं क्या हो रहा, भगवान जाने। प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक शूट नहीं कर रही हूँ। तो चलिए बाहर वेट कर रहे हैं मेरा रावत जी और राहुल। अब मैं जाती हूँ बाहर, मिलते हैं आपसे हम बाहर। तो आज मेरा फोर्थ डे उसका किसका फिजियो का, तो अब बस आज हो जाए फिर कल छुट्टी है क्योंकि कल संडे है, फिर परसों करवाऊँगी मैं। तो अब तैयारी हो रही है, हमारा कूलर यहाँ लगने की। पहले इधर था तो ज़्यादा ऊंचा हो रहा था ना, तो यहाँ पहले किसी ने, जो हमसे पहले आए होंगे उसने यहाँ, उन्होंने यहाँ दीवार बना के यहाँ कूलर सेट कर रखा था। तो अभी हटा के हम लोग यहाँ पे स्टैंड लगा के इस विंडो में करेंगे कूलर को सेट। तो ये निकालेंगे धूप में, सारे करते हैं ना हैं, दीवार के सारे करते। ये तो पूरा दीवार उड़ हिल रहा है रे, अरे जे का हैरो है माय गॉड, ये तो पूरा टूटा है। तो इसको इधर ही लगा दो फिर, स्टैंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, कूलर ऊंचा हो जाएगा फिर ना। देख लो पूरी दीवार हिल गई है, देख लो। ओ माय गॉड बाहुबली देखा, किसी ने ऐसा बाहुबली जो पूरा दीवार ही हिला दे और उठा दे, उठा तो नहीं पाएगा राहुल। कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मुस्कुराहट नहीं आ रही है क्योंकि बर्थडे पार्टी में जाना है सबको। जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, मौनी के पापा भी जा रहे हैं और राहुल भी जा रहा है बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं हम लोग। और वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे हमें नहीं पता, वहीं जाके पता चलेगा। लेडीज आज अजीब सा गंदा मुँह बना देते हैं ना, तो फिर नहीं बनाने की हिम्मत होती है। मेरी मौनी कैसी लग रही है अभी लाइन में, मौनी के लिए नई ड्रेस अभी दिखाऊंगी। कि मेरी मानू की ये नई फ्रॉक है, मानू कह रही मेरी हील्स ज़रूर दिखाना क्योंकि मानू ने फर्स्ट टाइम हील्स पहनी है, मैं इसको कभी पहनाती नहीं थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, लेट हो रहा है। इनका मुंह देखो इन दोनों का, इतना गंदा मुंह बना रहा है। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्थडे पार्टी में और ये है शिवी। तो शिवी का है बर्थडे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको ढेर सारी बेस्ट विशेस दीजिएगा। और ये तो ख़ास मोमेंट है ही इसके पेरेंट्स के लिए और हर किसी के लिए। बच्चे का बर्थडे बहुत ख़ास मोमेंट होता है, जैसे आपके लिए वैसे हमारे लिए वैसे ही इनके लिए। तो प्लीज़ इसको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। और पता नहीं क्यों मुझे इससे, वैसे तो बच्चे सभी प्यारे होते हैं बट इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे नहीं पता क्यों बट है मुझे इससे बहुत ज़्यादा। बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी है, सबको बहुत प्यार करती है, बहुत क्यूट है। तो प्लीज़ इसे बेस्ट विशेस दीजिएगा। शिवी को केक खिलाने के बाद आप सबके साथ पिक ली जा रही है, तो ये यादगार मोमेंट होते हैं जो कैमरे में कैद कर लिए जाते हैं। और मैंने सच में बताऊँ तो प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया कि किसी को परेशानी ना हो जाए, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि इसके पेरेंट्स को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें मैंने बस थोड़ा सा ऐसे व्लॉग मतलब ऐसे बना लिया था कि ऐसे वीडियो बनाऊँगी, बट मेरे को ये नहीं पता था मैं यूट्यूब में डालूँगी। जब इसके शिवी के फादर ने मुझसे कहा कि आपने प्रॉपर ब्लॉग बनाया क्या, आपने ब्लॉग बनाया, मैंने कहा हाँ, तो मैंने ऐसे बोला हाँ, तो बोले प्रॉपर बनाया, मैंने कहा हाँ, तो बोले ठीक है मैं देखूंगा कब अपलोड करोगे। तब जाके मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ मतलब इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं बना सकती हूँ। बट अब पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन नहीं है बट नेबर्स को हो सकता है कि मैं किसको वीडियो में लूँ, कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता, कौन कम्फर्ट है ना, तो इस वजह से भी ज़्यादा नहीं बना पाते हैं ना। तो मैं नहीं बना पा रही थी, तो फिर भी मैंने इतना बना लिया था और थोड़ा बहुत जब मुझे लगा हाँ इतने लोग मेरे इस वीडियो में आ सकते हैं तो उनका मैंने वीडियो बना दिया, हर किसी का नहीं बनाया। तो फिर यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, फिर लोगों ने मुझे बुलाया, फिर मैंने भी पिक ले ली अपनी। मैं कहाँ पीछे रहने वाली थी मेरे को तो अपने को देख देख के ताज्जुब हो रहा है, अरे भगवान हद हो गई फैट की। तो मतलब
कोई हिसाब किताब ही नहीं मोटापे की। तो बस ये मेरा वीडियो स्वाति ने बना दिया था। फिर आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, उसके बाद एक बर्थडे में मैं और गई थी नेक्स्ट डे, तो वो बर्थडे भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी, बट मेरे को अच्छा लगता है बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, तो मैंने उनका थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। पार्टी ख़त्म हो चुकी है और हम लोग यहाँ बैठे हैं कि लक्ष्मी हमें कुछ खिलाएगी। लक्ष्मी हमें कुछ नहीं खिला रही है, लक्ष्मी ने हमें कुछ नहीं खिलाया। और हाँ, भूखे पेट जा रही हूँ क्योंकि हमने कोल्ड ड्रिंक खाई है, सॉरी पी है, और बाकी सब लोग जा चुके हैं, बस हम ही लोग बचे हैं। और बर्थडे गर्ल मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये बर्थडे गर्ल है। अरे ऐसा थोड़ा था, ये बर्थडे गर्ल की मम्मी है लक्ष्मी। हेलो कर, हेलो हेलो ग्रीन साड़ी सातवी मत कर यार, स्मृति और चिंता मत करो, मैंने बहुत अच्छा फिल्टर लगाया है। तो यहाँ पे आ गया हमारे यम्मी यम्मी खाना की कुकिंग चल रही है, साथी भी घुसी है इधर से। चलो ये तो दोस्तों हमने खाना वाना खा लिया है और हम जा रहे हैं घर, और यहाँ पे अभी भी हो रही कुकिंग, तो मैं जा रही हूँ। प्रॉपर ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई क्योंकि कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, जो कि उठा चुके हैं, बट जो लोग नहीं उठाते उनके साथ मैंने अपना ब्लॉग शूट कर लिया है छोटा सा। तो अब इसीलिए हम जाते हैं घर, खाना खा लिया। बर्थडे में जाने के लिए बैक टू बैक बर्थडे आ रहे हैं, पहले उस दिन था, अभी दूसरा बर्थडे है। मानू को मैंने भेज दिया और अभी मान के पापा आ रहे हैं, मैं रेडी हो गई। मैंने सोचा फिर लेट हो जाएगा, आप लोग से बात कर लेती हूँ, तो अब जा रही हूँ फटाफट। 7 बजे का बोला था, 8 तो बज ही गया है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यह है सेकंड डे क्या थर्ड डे ही है ये, क्योंकि ये 29 मई का है, ये बर्थडे शूट किया था और मानू के पापा ने ही शूट किया था। मैं तो अंदर बैठी थी, मैं बाहर को नहीं आ पाई क्योंकि काफ़ी स्पेस नहीं हो रखा था यहाँ पर। हैप्पी बर्थडे वंस अगैन बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड गिव्स यू लॉन्ग लाइफ एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो दोस्तों प्लीज़ 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 इस बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। और तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए रावण जी भी आ गए स्माइल करते हुए, ये कैमरा किसी और के हाथ में जिसमें उनकी फिंगर आ रही थी, रावण जी का मुंह ही ढक गया। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे आपसे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।